आलोक काफी बेचैन है कि गुल्लू दादा का 2020 किस तरह से गुजरा। 2020 तो ऐसा गुजरा कि ऐसा नहीं गुजरता तो अच्छा था। 2020 में एक सबक मिला है कि इंसान को जो है कभी भी कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं भी एक गाना गाया उसमें, जो मेहंदी की रस्म का गाना होता है, हैदराबाद में जो उंगली पकड़ने की रस्म होती है। बोलो हमें जो है मेरा कैरेक्टर ये कैसा कैरेक्टर है, बोले तो कबाब में हड्डी वाला कैरेक्टर है। 2021 इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए अच्छा साबित हो, हम सब के लिए अच्छा साबित हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाय हेलो, मैं जफर खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ जेड नाउ टीवी के प्रोग्राम विश करो दिल से। विश करो दिल से में हम आपके कई लोगों से, कई सेलिब्रिटीज से और आवाम से, आम पब्लिक से, सबसे हमने आपको बात करवाई, सबकी ग्रीटिंग्स ली। लेकिन आज हम बात करेंगे, जी हाँ, आपकी हमारी सबकी चहेते गुल्लू दादा के बारे में। आज हम लोग कई लोग पूछ रहे थे कि गुल्लू दादा से पूछे कि उनका 2020 कैसे गया, किस तरह से गुजरा, उन्होंने क्या साजिद अदनान खान की तरह गुजारा या फिर गुल्लू दादा की तरह उन्होंने गुजारा, ऐसे बहुत से सवाल उभर कर आए हैं। तो आज हम उनके साथ बैठे हैं और हमारे लिए बहुत ये खुशखबरी, बहुत खुशी की बात है, बहुत एहसास की बात है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ गुल्लू दादा जैसे लोग रहते हैं, जो कि शहर हैदराबाद का नाम सारी दुनिया में इतना मशहूर कर दिए हैं कि लोग बस नाम सुनते ही कहते हैं, गुल्लू दादा का नाम आते ही कहते हैं कि हैदराबादी गुल्लू दादा। चलिए अब हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ जेड नाउ टीवी के प्रोग्राम विश करो दिल से। हम विश तो लेंगे, आपकी ग्रीटिंग्स भी पहुँचेंगे लोगों तक, लेकिन लोग काफ़ी बेचैन है कि गुल्लू दादा का 2020 किस तरह से गुजरा। 2020 तो ऐसा गुजरा कि ऐसा नहीं गुजरता तो अच्छा था। तो जैसा कि अभी आप बोले कि 2020 जो है आप गुल्लू दादा के जैसा गुजारे या अदनान साजिद खान के जैसा गुजारे, तो मैं यही कहूँगा कि मैं 2020 अदनान साजिद खान के जैसा ही गुजारा है, क्योंकि तमाम शूटिंगें बंद थी, हर काम काज बंद था, सब बंद था, लोग परेशान थे और परेशानी इतनी बड़ी थी कि बता नहीं सकते। तो बहरहाल ये हर कोई यही बोल रहा था कि साल निकल गया तो अच्छा, निकल गया तो अच्छा। अब साल निकलने पर आया तो नई चीज़ सुनने में आ रही कि कोई और एक नया वायरस है। खैर अल्लाह करे, इंशाल्लाह ताला इस पे हम जो है बिल्कुल जो है निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। बहरहाल 20 तो बहुत अच्छा नहीं गुजरा, किसका भी, मेरा क्या, सारी दुनिया का अच्छा नहीं गुजरा 20। लॉकडाउन में बहुत से लोग पूछ रहे हैं हमको कि गुल्लू दादा ने कई बार हमने देखा कि कुछ गाने वगैरह भी उन्होंने प्ले किए, कुछ ऐसा उसे कुछ कॉमेडीज़ वगैरह, तो कुछ आपने क्या मतलब कुछ मैसेज देना या मैसेज सीखा या मैसेज मिला है आपको, क्या आपको सबक मिला है 2020 से। 2020 में एक सबक मिला है कि इंसान को जो है कभी भी कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ भी डिज़ास्टर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये इसका जो सबक मिला हर किसी इंसान को। बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत से हमारे भी जो कारोबार था, ये बिरयानी खुल के थोड़े दिन ही हुआ था, लॉकडाउन हो गया, काफ़ी अफेक्ट हुआ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लू अल्लू संभल रहे हैं सब। लेकिन बस यही है कि जो है दुआ करता हूँ कि जो इंशाल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द ये सब के परेशानियाँ दूर हो जाएँ और 2021 जो आने वाला है तो कुछ अच्छी चीज़ें करें। साल तो काफ़ी बेकार रहा आपने भी कहा, लेकिन साल के आखिरी महीना और आखिरी दिन काफ़ी अच्छे रहे हैं गुल्लू दादा के लिए। जैसा कि आपकी जो खोटे सिक्के जो मूवी आई है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम वक्त में मिलियंस में लोगों ने देखा है, और उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह से एक और ब्रांच आपका ओपन हुआ है, तो ये क्या आने वाले जो नए दिन हैं किसके, क्या ये अच्छे रहेंगे शायद। बिल्कुल जो है उम्मीद तो यही है कि जो है जैसा कि खोटे से क्या बता रहे थे, 2 मिलियन जो है एक हफ्ते में क्रॉस करिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग देखिए इसको, अब ऑनलाइन का ज़माना है, थिएटरों पे लोग कम आ रहे हैं तो ऑनलाइन में जो है ज़्यादा लोग देख रहे हैं। बोलो हो भी हमारी थिएटर में रिलीज़ हो रही 15 जनवरी को, ये बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल देखिए अब कुछ यही उम्मीद में लगे हैं कि लोग थिएटर को आएँगे वापस। जैसा कि आपने बताया कि थिएटर्स खुल जाते हैं, तो क्या खोटे सिक्के फिर क्या थिएटर्स में रिलीज़ होने की कोई ऐसे अंदेशे हैं। नहीं, अब तो मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी जो है 2 मिलियन 2.5 मिलियन हो गए, अब तो लोग देख चुके हैं पिक्चर। अब टिकट खरीद के तो कोई नहीं देखेगा वो फिल्म, तो इसीलिए उसको थिएटर में लेने से रिलीज़ करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब जो बोलो हो पिक्चर है इसको जो है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोग थिएटर में देखेंगे। बहुत बड़ी पिक्चर है, बॉलीवुड की पिक्चर है, बड़े पैसा खर्च किया गया है उस फिल्म के ऊपर, लैविश फिल्म है, गाने हैं उसमें, गाने रिकॉर्डिंग करके गाने पिक्चराइज किए गए हैं। मैं भी एक गाना गाया उसमें, जो मेहंदी की रस्म का गाना होता है, हैदराबाद में जो उंगली पकड़ने की रस्म रहती है, उस पर मैं गाना गाया जो है धीरे धीरे हल्लू हल्लू, पहले उंगली पकड़ते ही फिर पौचा पकड़ते ही फिर धीरे धीरे। ये अच्छा गाना है और बहुत कैची है, मैं समझता हूँ सांचंग हिंदी में चलेंगे ये गाना। बताना चाहेंगे आप बोलो हो में आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे।
बोलो हमें जो है मेरा कैरेक्टर ये कैसा कैरेक्टर है, बोले तो कबाब में हड्डी वाला कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन के बीच में, ये सस्पेंस है, फिल्म देखने पे पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये नए साल के मौके पर बहुत लोग इंतज़ार में है कि गुल्लू दादा ग्रीटिंग्स कब आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस? हाँ, मेरे सारे फैंस, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि 2021 इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए अच्छा साबित हो, हम सब के लिए अच्छा साबित हो, और ये जो परेशानियाँ जितने भी 2020 में उठाए हैं वो सब हम भूल जाएं और एक नई दौर की तरफ निकलें, यही मेरी दुआ है 2021 के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अदनान साजिद खान साहब, गुल्लू दादा, जो हमारे से बात कर रहे थे हमारे इस जो प्रोग्राम है विश करो दिल से। और भी इंशाल्लाह ऐसे ही बड़ी हस्तियों से और सेलिब्रिटीज से और एक्टरों से, आवाम से, सबसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे, उनकी भी ग्रीटिंग्स लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए जेड नाउ टीवी के प्रोग्राम विश करो दिल से। कैमरामैन सजाद के साथ मैं जफर खान, जेड नाउ टीवी के लिए। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।